नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब वक्त हो गया रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, नजर आ लेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। खबर मथुरा से सामने आ रही है, मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पर खाद विभाग की चलती लापरवाही से पूरे क्षेत्र में बीमारियों को बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिठाइयां लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं। यहां खाद विभाग की लापरवाही से पूरे क्षेत्र में दूषित मिठाइयां बेची जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या खाद विभाग इन दुकानदारों के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही कर पाएगा या फिर ये बीमारियों को यूं ही बेचते हुए नजर आएंगे। मैं सौंप की जनता से यही अपील करती हूँ कि अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे, पानी जमा ना होने दे, पानी कूलर में पानी को साफ रखे, जैसे टायर है उसमें पानी न जमा होने दे। और अब खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर रीवा के गंगवेर जनपद के ग्राम पंचायत सूरा से विधानसभा अध्यक्ष ने पीए की पत्नी की चुनाव मैदान में थी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि मतों की पहली गणना में 20 वोटों से पिछड़ गई, जिसके बाद ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव में बिना अनुमति के टोकन बांटकर फर्जी मतदान कराया जाया। इसके विरोध में थाना प्रभारी और एसडीएम के द्वारा मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दी गई। मेरी बहू सरपंच पद की उम्मीदवार थी और एक साथ का चुनाव था। उस चुनाव में जो प्रशासनिक अमला है जिसमें एपी त्रिपाठी टी आई है, ये कहां पदस्थ है, ये पहलौर थाने में है, इनको इस गड़बड़ी कराने के लिए हमें बुलाया गया था, क्योंकि नियम है कि टीआई एक पोलिंग बूथ में आधा घंटे से नहीं रह सकता, लेकिन ये सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 11 बजे तक वहाँ उपस्थित रहे आपके पोलिंग हमारे पोलिंग में और मतदाताओं को हमारे आदमियों को डरवा के भगाते रहे, खदेड़ते रहे, धमकी देते रहे, यहाँ तक हमको धमकी दिए, हमको धक्का मुक्की किए, बाहर चलो। आपके साथ धक्का मुक्की भी, धक्का मुक्की भी हुई। कौन किया धक्का मुक्की? टीआई के त्रिपाठी। रुकेंगे अगली खबर की तरफ। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर एक बड़ी फैक्ट्री में तेज विस्फोट हुआ। विस्फोट में कई मकानों में लगे शीशे क्षतिग्रस्त हो गए और हादसे की खबर मिलते ही मौके पर सीओसीटी सहित पहुंची फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके का जायजा लिया। वहीं पुलिस मामले की घनता में एक जांच भी की जा रही है। और आपको बता दें कि अभी तक धमाके की वजह खुलकर सामने नहीं आ पाई है। खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जिले के युवा व्यापारी के निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और वहां पर उनके परिवारजनों से भेंट करने के दौरान मीडिया से भी रूबरू हुए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा नुपुर शर्मा को फटकार लगाए जाने वाले बयान पर भी अपना बयान दिया। यहाँ की एक संस्था जो विभिन्न समाज सेवियों के द्वारा स्थापित की गई है, उसका एक कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों को जाने का सौभाग्य मिला, अच्छा लगा। वहाँ तमाम वो वृद्ध जिनका कोई धनी धोरी नहीं, उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था, खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था वहाँ की गई है। मैं समझता हूँ अच्छा प्रयास है। आज ही वहाँ से मैंने सीएमओ को निर्देश किया है कि वहाँ जिला स्तर से या कोई एक विशेषज्ञ डॉक्टर हर सप्ताह में जाएगा। सरकार की ओर से प्रयास होगा कि हर हफ्ते जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। हमें फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर शिकोहाबाद में भारतीय पूर्व सैनिक लीग के तत्वाधान में आवास विकास कॉलोनी स्थित मेजर रामवीर सिंह एजुकेशन संस्थान पर पूर्व सैनिक और वीर नारियों की एक मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबेदार मेजर रामवीर सिंह ने की और मेजर रामवीर सिंह ने पूर्व सैनिकों को विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श के साथ ही सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के हित लाभ के लिए विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी की और इसके साथ ही 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम पर भी विचार विमर्श किया। आज हर महीने की तरह पूर्व सैनिकों की मासिक बैठक आयोजित की गई है,
जिसमें उनके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा गया है और जो व्यक्तिगत केस हैं उनको सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए आश्वासन दिया गया है। और जिस कार्यालय या जिस विभाग का भी काम है उनसे संपर्क करके उनकी समस्या का समाधान किया जाए। तो करें अगली खबर की तरफ। खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर थाना दक्षिण क्षेत्र सोहा नगर स्थित डॉक्टर अमिता चौरसिया हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वही परिजनों का कहना है कि पैसे से लेकर ब्लड तक का हमने सारा इंतजाम किया था, फिर भी लास्ट में क्या हो गया कि इन्हें प्राइवेट ट्रामा में ले जाने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। और जब मृतका के पास परिजन दोबारा हॉस्पिटल पहुंचे तो सारा स्टाफ फरार हो चुका था, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजन, राजन जी जो मृतका थी वो कौन थी आपकी? वो छोटे भाई की पत्नी। क्या नाम था उनका? भूमिका तिवारी। उनके पति का नाम? शिवम। कहाँ रहते हैं? भामई। भामई गाँव है या बामई है? भामई। भामई थाना। क्या हुआ था? हमने उसको बच्चा मतलब डिलीवरी का काम था पूरा, तो ये श्री अमिता चौरसिया डॉक्टर अमिता चौरसिया हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया। कहाँ पर ये हॉस्पिटल? ये सुहागनाथ चौराहे पर। सुहागनाथ चौराहे पर। हाँ, फिर क्या हुआ? तो उन्होंने एडमिट किया, 5:50 पर उसकी डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा उन्होंने की, और करने के बाद में नाड में रखा सुबह के टाइम पर। ये कहते हैं अपनी स्टाफ वगैरह आने का दिखता है, ये लोग नहीं आए। 5:00 के टाइम पर इसको बुखार आया। बुखार आने के बाद कोई भी ना डॉक्टर कोई नहीं आया, स्टाफ की नहीं भी देख रेख नहीं की। आपने शिकायत की वहाँ पर? हमारे सबसे की पड़े, कोई गए, कोई भी नहीं आया, सिर्फ आप। खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर मथुरा की गोवर्धन तहसील में कुछ दबंगों की दबंगाई के चलते ग्रामीणों को नरकीय जिंदगी जीने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि तहसील के पता गांव का रास्ता मथुरा वाले हाईवे से मिल जाता है। रागीर इस गंदगी से होकर निकलने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं और ये रास्ता कई गांव को जोड़कर निकलता है। और आपको बता दें कि जल निकासी की नाली के ऊपर मिट्टी डालने के कारण पानी अब निकल नहीं पा रहा है और क्षेत्रीय विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने महज 50 मीटर का ये रास्ते का टुकड़ा राजनीति के चलते छोड़ दिया था, जिसके चलते आज ये ग्रामीणों के लिए दुखदायी बना हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये जैसे कि रास्ता दिख रहा है इसमें कीचड़ है, यहाँ से आप कैसे निकलते होंगी? ऐसे ही निकले बाबा, हाथ पम चोट लग गई है और निकलो ना जाए कीचड़ में करे निकलेगा। तो ये कब से पड़ा हुआ है? बहुत दिन से पड़े हुए। तो इसकी शिकायत अपने प्रधान वगैरह से की है? प्रधान से खूब कह रही बाबा, किसी ने सुनवाई नहीं किया? ना सुनी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, ये सामने वृंदा गौशाला है। वृंदा गौशाला के सामने करीबन ये समझ लो कि 1 महीने पहले बाजू वाले ने मिट्टी डाल दी थी, तो हमसे चलो उसका प्लॉट बन रहा है, उसने आड़ लगा दी आगे। ठीक है, अब मैंने बोला नाली निकलवा दो, प्रधान से भी कई बार सूचना दी, कम से कम 5-6 बार फोटो भी भेजे, जब कीचड़ बिल्कुल नहीं था यहाँ। बस नाली निकल जाती तो बिल्कुल कीचड़ नहीं होता, अब किसी ने कोई गौर नहीं किया तो ये इतना कीचड़ हो गया, लेडीज गिरती है। और अब खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां पर पत्रकारों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान पत्रकारों के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे को वापस करने की मांग की गई है। इस दौरान पत्रकारों ने पुलिस विभाग के आला अफसरों से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है। और इसके साथ ही साथ पत्रकारों ने बताया कि शीशगढ़ पुलिस बदले की भावना में बेवजह पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है, जिससे यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के समस्त पत्रकार में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि इस यात्रा में जिले भर के पत्रकार शामिल रहे। खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है, जहां पर कौशाम्बी में बीते 11 जून को उसरातुर रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात युवक का छत विच्छत अवस्था में शव मिला। आपको बता दें कि शव की शनाख्त सैनी थाना क्षेत्र के बिजलीपुर गांव निवासी शब्बीर ने अपने बेटे के रूप में की है। वहीं 14 जून को गांव के बाहर
मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शव को दफना दिया गया था और वही शव दफन होने के 13 दिन बाद फतेहपुर जिले के धाता निवासी सुजीत कुमार ने अपने बेटे सूरज का शव होने का दावा करते हुए कौशाम्बी जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने 29 जून को एसडीएम सरातुप को बिजलीपुर में दफनाए गए शव के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपलिंग कराने का आदेश दिया था और रविवार को एसडीएम सीओ के साथ डॉक्टरों के एक पैनल ने दोनों परिवारजनों की मौजूदगी में कब्र की खुदवाई कराई गई और शव का सैंपल एकत्र कर डीएनए जांच के लिए लैब भिजवा दिया। देखिए 11 जून 2022 को एक डेड बॉडी जो है हमें रेलवे ट्रैक पे मिली थी एक्सीडेंट में, उसे हम लोगों ने जो नियमानुसार कार्रवाई कराते हुए मोर्चरी में रखवा दिया था। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। इसी दौरान 14 तारीख को एक मनियल की थाना क्षेत्र का मुस्लिम परिवार ने उसे पहचान किया और पहचान मुस्लिम होने के पश्चात उसे सुपुर्द कर दिया गया था और उसके द्वारा उसका संस्कार भी कर दिया गया था। फिर इसी बीच 12-13 दिन बाद एक फतेहपुर का परिवार आया और उसने जिलाधिकारी महोदय को स्थापना पत्र दिया, उसने अपने उस डेड बॉडी पर अपने पुत्र का क्लेम किया, जिसके आधार पर उन्होंने आदेश दिए कि उस डेड बॉडी को निकालकर इसका डीएनए सैंपल कलेक्ट कराए थे, मैचिंग कराई जाए और उसी प्रक्रिया के तहत आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे डेड बॉडी को निकालकर उसका डीएनए सैंपल।